इंतकाम नहीं चाहता, हिसाब लेना तो बनता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले आज झूठ हवा में उड़ गया है, मेरे खिलाफ मुकदमात में जान नहीं थी, सजा मुझे नहीं 25 करोड़ अवाम को मिली, जो दुख हमें दिए गए उनका कोई मदावा है, हमने जनरल बाजवा या जनरल राहिल के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। मजीद बोले कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, दिफा को मजबूत किया, G-F-17 के मुआहिदे पर मेरे दस्तखत है। उन्होंने जो है ना वो GIT ने और इन सब लोगों ने मिलके वो बनाए थे, उसके फिर जजों ने जो ट्रायल किया हमारा, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला, जब कुछ नहीं मिला पनामा में तो अकामा निकाल लिया, यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाजत नहीं देता था, तो उन्होंने अकामा निकाल लिया और फिर वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन के रह गया। अकामा पे आप यानी के एक वजीर आजम को निकाल रहे हैं, उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे आप वजीर आजम की छुट्टी करा रहे हैं, सिसलिन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉडफादर कह रहे हैं आप, ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये हमारा ट्रायल हो रहा था झूठा, उधर से जो है वो उस बेंच